मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जहां शासकीय बाल विनय मंदिर की सजल जैन ने 12वीं की प्रवीण सूची में ह्यूमैनिटीज में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं वाणिज्य संकाय में इंदिरा विद्या मंदिर की कशिश वलेचा दूसरा स्थान प्राप्त की। कक्षा 12वीं में नियमित विद्यार्थियों का परिणाम 80.5% रहा, तो वहीं प्राइवेट विद्यार्थियों का परिणाम 40.9% रहा। वहीं 10वीं में नियमित छात्रों का परिणाम 61.66% रहा, जबकि प्राइवेट छात्रों में 30% रहा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। इस बार कुल 59.4% विद्यार्थी पास हुए हैं, जो कम है। पिछले साल 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं नहीं हुई थी। इस साल 10वीं का 59.4% रिजल्ट आया है, जो कि पिछले 3-4 साल से मुकाबले इस साल में कम है। वहीं 12वीं में 72% तक इस साल का रिजल्ट है, जो कि 2-3 सालों के मुकाबले बेहतर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को करीब 1 महीने से रिजल्ट का इंतजार था, जो आखिरकार खत्म हुआ है। मंडल ने बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया। इसके साथ ही 2 साल बाद मंडल ने दोनों कक्षाओं के लिए प्रवीण सूची भी जारी की है। गौरतलब है कि इंदौर जिले में एमपी बोर्ड स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा के 79,838 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इन विद्यार्थियों में नियमित और स्वाध्यायी दोनों विद्यार्थी ही शामिल है। इनमें भी 10वीं में 36,754 नियमित है और 7,033 स्वाध्यायी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। वहीं 29,352 नियमित और 6,699 स्वाध्यायी विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। 2 साल के बाद परिणाम घोषित हुए हैं। दोपहर 1 बजे से बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश और जिला स्तर की प्रवीण सूची भी जारी कर दी गई है। मुझे जितना मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, उससे ज्यादा मेरे टीचर्स को मेरे ऊपर भरोसा था। मैं ये कहना चाहूंगी कि एक गवर्नमेंट स्कूल होने के बाद भी यहाँ पे मतलब रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस है, और बिल्कुल मतलब रेगुलर ऑनलाइन क्लास के बाद भी जब हमने पेपर जब, तो हमको बिल्कुल नर्वसनेस फील नहीं हुई, क्योंकि हमारे टीचर्स को सपोर्ट किया है, उन्होंने जिस तरह से हमें पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं बस उन्हीं का आशीर्वाद है।